जी हाँ, नमस्कार प्रिय साथियों, आपके अपने चहेते YouTube चैनल पर मैं दीपक सरावग आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज एक नई भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट है। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव का दावा कि कॉलेज लेक्चरर के 1952 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव RPSC को भेज दिया गया है और 500 पद सोसाइटी के जरिए वो भरे जाएंगे, यानी कि कुल 2452 पद हैं वो कॉलेज लेक्चरर के भरे जाएंगे। यहाँ पर एक और बड़ी खुशखबरी विद्यार्थियों आपके लिए ये है कि यहाँ पर कॉलेज आचार्य, लेक्चरर, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, इन सभी के पद भी रिक्त हैं और कॉलेज में लेक्चरर नहीं है। इसको लेकर विद्यार्थी अपने स्तर पर पढ़ाई कर परीक्षा में शामिल होना पड़ा है और राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर नए कॉलेज खोलने की घोषणा की है, लेकिन इनमें संसाधन नहीं है, यह 2-4 कमरों में ही चल रहे हैं। तो ये इन जो तमाम जो पद हैं इनकी भी भर्तियां आप लोगों को जल्द है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि प्रदेश में जल्द ही लेक्चरर की भर्ती की जाएगी। इसके लिए RPSC को 1952 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज रखा है। जुलाई महीने में भर्ती की सकेगी, यानी कि जुलाई महीने में आपकी भर्ती है वो होगी। इसके अलावा कॉलेज सोसाइटी के माध्यम से भी अगस्त महीने में 500 व्याख्याताओं की भर्ती की जाएगी। दैनिक भास्कर ने उच्च शिक्षा मंत्री की खामियों व विभाग की तैयारियों पर उनसे बातचीत की तो कहा कि केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े प्रदेश सरकार के 650 करोड़ रुपये अटका रखे हैं। नए कॉलेज खोले जा रहे हैं, पहले से संचालित कॉलेजों में लेक्चरर के पद खाली हैं, इसको लेकर भी बात की गई। तो मेरे प्रिय साथियों, ये चुनावी साल है, आप निश्चिंत रहें, कोई ना कोई भर्ती आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर मिलेंगी। शिक्षा विभाग में हर एक पदों पर भर्ती यहाँ पर आने वाली हैं, ये आप देख सकते हैं। पद कौन से किस विभाग में कितने पद हैं वो रिक्त हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि आचार्य से आचार्य के लगभग 7000 में से 2374 पद तो क्या है मित्रों, खाली पड़े हैं। तो दोस्तों, जो भी कोई अपडेट होगी सबसे पहले हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।